नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। सेसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की तेजी, ये 75,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त। फेक इंटरनेशनल कॉल्स ब्लॉक होंगे। एलआईसी का तिमाही मुनाफा बढ़कर 13,762 करोड़ पहुंचा, ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। जेएम फाइनेंशियल ने स्मॉल कैंप फंड लॉन्च किया, 10 जून तक खुला रहेगा एनएफओ। साल भर में इसकी कैटेगरी के फंड ने 75% तक रिटर्न दिया। एलआईसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 2.5% बढ़कर 13,762 करोड़, 6% शेयर का लाभांश देंगी कंपनी, एक साल में 71% चढ़ा शेयर। जॉब एंड एजुकेशन बुलेटिन, यूपीएससी ने ग्रेजुएट्स की 322 वैकेंसी निकाली। नौसेना में अग्निवीर भर्ती के एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ी। सरकारी नौकरी, इंजीनियर्स के लिए 313 वैकेंसी, आवेदन की आखिरी तारीख आज, 35 वर्ष तक के उम्मीदवार करें अप्लाई। महबूब खान ने नरगिस से कर्ज लेकर बनाई मदर इंडिया, हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने भेजा था इनविटेशन, अंग्रेजी न आने पर उड़ाया था मजाक। शाहिद मीरा ने मुंबई में खरीदा 60 करोड़ का नया घर, 5,395 स्क्वायर फीट में फैला है अपार्टमेंट, 1.75 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी फिर चुकाई। शिल्पा शिंदे खतरों के खिलाड़ी 14 में आएंगी नजर, कई शो बीच में छोड़ने पर बोली, इस बार किसी को निराश नहीं होने दूंगी। सलमान की सिकंदर में विलन बनेंगे कटप्पा, इंटरव्यू में एक्टर सत्यराज ने खुद किया कंफर्म, फिल्म में पहली बार साथ काम करेंगे सलमान और रश्मिका। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज। नमस्कार।